अच्छे बंदे, जल्दी बोलना। लेजिट है क्या लगता है? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लूट क्या पहले बंदे को? तो गाइस स्वागत आप सभी का यार एक और सोलो डुओ रैंक पुश वीडियो में। क्योंकि मैं सोलो और डुओ के लिए दोनों के लिए टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ, इसलिए मैं दोनों का ही जरूर से नाम लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए रैंक पुश करने में। जो भी मेरे भाई हो सोलो या फिर डुओ में रैंक पुश कर रहा है, तो सभी के लिए एक टिप्स है, इसलिए भाई लोग आप लोग टिप्स को सुन के जाना। और भाई अभी मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया हूँ क्योंकि भाई आज जो हुआ ना मेरे सामने, मतलब कि भाई नेक्स्ट लेवल हैकर बैन हुए और मैं हर एक गेम में ना कम से कम 3 या 4 हैकर को मतलब कि भाई देखा हो कि वो बैन खा रहा है और भाई सीधा लॉबी जा रहा है, मतलब उसका औकात भी अभी आ चुका है। और भाई वो लोग अभी जो नाली के कीड़े थे ना सबको अभी सफाई अभियान में मतलब लग चुके हैं और भाई सभी को अभी हटा रहा है और सबको अभी घूस से निकाल के उसको अभी नाले में डाल रहे फिर से। मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा भी मेरा मूड ख़राब हो गया था मेरा कल मैं इतना ज़्यादा माइनस खा चुका था। आप लोगों को मैंने गेम प्ले दिखा था और मैं फर्स्ट में जब गेम प्ले दिखाया ना मैं आपको क्लिप, छोटा सा क्लिप, भाई उस वाले हैकर ने तो भाई हद ही कर दिया था, मतलब पूरा गेम ही पूरा खा लिया था उसने। मुझे तो मारा था फिर बाद में जाकर इतने सारे बंदों को मारा था। और वो वाला जो क्लिप है ना वो कल का क्लिप है और आज का जो क्लिप है आप लोग देख ही रहो। और इस गेम में आपको उसका मतलब पूरा औकात दिखा दिया मैंने सभी का, जितने भी हैकर थे ना सब तो बैन खा ही लेते और बाकी जो छोटा मोटा हैकर बचा हुआ था उसका भी मैंने औकात दिखा दिया इस गेम प्ले में। क्योंकि मैंने इस गेम प्ले में ना जो ही किल निकाला है और जो ही मैंने बंदे को उतारा है गाड़ी से और भाई जो ही मैंने इस गेम प्ले में 1v3 करके चिकन डिनर किया है, आप लोग जरूर से देखना वो वाला क्लिप। और गाइस आपको मैं बता दूं, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक चाहिए ना कि अभी के लिए कौन सा टिप्स एंड ट्रिक है अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो, तो देखो रैंक पुश के लिए अभी सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आप लोग सबसे पहले तो सेफ उतरो और जो भी लूट करना यार जल्दी से लूट कर लेना, जितना भी लूटना है आपको सब कुछ लूट लेना। उसके बाद फिर क्या करना कि आप लोग कहीं पर भी ना ऐसे जगह ढूंढो जहाँ पे कि कहीं पे आपको ट्रिपल स्टोर या फिर डबल स्टोर जो रहता है वहाँ पे जाकर आप लोग ऊपर जाकर बैठ सकते हो आराम से। और आप लोग जोन के सेंटर में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी क्योंकि हैकर तो उतना आ नहीं रहा और हैकर का इतना हिम्मत नहीं है कि भाई वो आपको सेंटर में आके या फिर आपको ट्रिपल स्टोर में जाकर या फिर डुअल स्टोर में जो रहता है ना ऊपर वाले फ्लोर पर आप लोग अगर रहते हो तो वहाँ पे उसका औकात नहीं रहता कि आपके ऊपर आके वो पुश कर दे और आपको मार दे। अब भले ही हो सकता है कि नेट से मार देगा, लेकिन भाई आपको उससे भी बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर फाइट लेना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग बिल्कुल भी मत डरो कि अभी के टाइम, क्योंकि ये जो नल्ले लोग हैं ना सभी का अभी मतलब औकात दिखा दिया बीजीएमआई वालों ने, अभी प्रॉपर फाइट लेने से बिल्कुल भी मत डरना। क्योंकि अभी क्या हुआ कि भाई बीजीएमआई वालों ने सबका औकात दिखा दिया, मतलब सबको औकात पे लेके आ गया और अभी जल्दी अभी सब कुछ हैकर अभी हटने वाले गेम से। और मुझे मतलब जहाँ तक लग रहा है ना कि आज जो है पूरा एकदम भाई 50% हैकर कम हो चुके हैं, क्योंकि मैं इस गेम में भी देखा हूँ कि भाई जितने भी हैकर थे ना सारे हैकर बैन हो गए थे। भाई ये होता है हमारा औकात जो कि भाई बिना हैक लगा के भी बंदे को उतार सकते हैं और भाई किसी को भी मार सकते हैं। चलो ये तो आप लोग बोल लो कि यार तू कैम कर लिया या फिर उसको नहीं पता था मार लिया, पर कोई ना गाइस आपको आगे दिखाऊंगा भाई 1v3 करके मैं दिखाऊंगा आपको। और जितने भी बंदे थे ना सारे बंदे लेजेंडरी बंदे थे, मतलब कि भाई बहुत ही सारे स्किन ले रखे थे उन लोगों ने और भाई अच्छा खासा प्लेयर था जो कि मैं 1v3 करके भी मैं चिकन निकाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चिकन निकाला था। अब यहाँ पर मैं एम लगा रहा था एक बंदे पे और उसी टाइम पे मेरा औकात दिखा दे, मतलब कि ये बंदा जो है फायर लेता मेरे ऊपर, बट ये बंदा लेजिट था, कोई भी बंदा ऐसा मुझे नहीं दिखा कि भाई हैक लगा के खेल रहा हो। और भाई अभी तक मतलब जितने भी हैकर थे ना 3 से 4 हैकर थे इस गेम में, तो वो सारे बंदे पहले ही उतरते उतरते ही बैन कर लिया। भाई मुझे ऐसा लगा कि यार उसको उतरने भी नहीं दिया हुआ सबसे पहले, तो पेलन पे जैसे मैं उतरने वाला था उसी टाइम पे एक बैन हुआ। उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था बट मैं आपको दिखा था, मतलब कि 3 हैकर तो मैं बाद में जाकर देखा हूँ कि बैन हुआ, मतलब कि 4 हैकर टोटल इस गेम में बैन हुआ था। और भाई 4 हैकर की वजह से ना सारे गेम का मतलब सफाया कर दिया जितने भी हैकर थे। अब आटू सा जो कुछ भी बच गया होगा, मतलब छोटा मोटा हैकर हो तो भाई कहीं पर भी जाकर नाले पर जाकर कूद गया होगा, तो इसी वजह से उसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट अभी जो लेजिट प्लेयर है ना
उसके साथ प्रॉपर फाइट लेने से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता और मैं अभी जाने वाला हूँ भाई प्रॉपर फाइट लेने। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई मेरे टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता है और भाई इसी मौके पे इसको मैं नॉक फिनिश भी डाल देता हूँ और मेरे टीममेट का एक जो है किल फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचा हुआ जो कि सामने दिख रहा है और अभी सामने जो पत्थर के पीछे ना वो भी बहुत सारे मतलब वहाँ पे दो बंदे बचे थे जो कि भाई बहुत सारे बंदे को उन लोगों ने भी मारा था बट उनको भी हम लोग मारेंगे और कैसे मारेंगे देखना। बट यहाँ पर क्या होता है कि भाई मुझे पीछे से ना कुछ गाड़ी का साउंड आ रहा होता है और धीरे धीरे साउंड आ रहा था लेकिन बाद में जाकर मुझे पता चलता है कि भाई वो गाड़ी है कुछ मतलब लेजेंडरी सा गाड़ी मतलब कि ये जो न्यू आया था ना मतलब मैकलरन का कुछ स्किन आया था वो वाला स्किन का गाड़ी था जो कि भाई मुझे साउंड आ चुका था पहले ही और इसी वजह से यहाँ पर मैं पूरा एकदम लेट जाता हूँ ताकि उसको। अब यहाँ पर मैं एक नेट भी करने की कोशिश करता हूँ कि उसको नेट से उड़ा दूँ बट ये बंदा जो है थोड़ा सा पीछे ही था और सील लगा के ये लोग बैठे थे पीछे। अब यहाँ पर बारी था भाई उसके ऊपर नेट करने की। अब यहाँ पर तो उसका मुझे शील्ड दिख रहा था अब मैं यहाँ पर आगे इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि एक नेट से दो नेट ना फट जाए इस वजह से यहाँ पर मैं आगे नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर मेरे टीममेट एक मौलिक से नॉक कर दिया अब भाई इसको ऑलमोस्ट मैं मारने वाला था लेकिन मेरा पेड़ की वजह से ना इसको मैं नहीं मार पाया पर कोई दिक्कत नहीं है भाई अभी तो मेरा टीममेट को जितना किल लेना था वो ले लिया बट अभी लास्ट में जाएगा ना सारा तुम्हारा भाई किल लेगा और देखना भाई कि कैसे मैं बंदे को मारता हूँ। अब भाई हैकर तो है नहीं इस वजह से यहाँ पर मैं आता हूँ भाई सेंटर की तरफ एकदम पूरा सेंटर में आ जाता हूँ और भाई जितने भी बंदे देखते हैं सबको मारने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर तो मैं इधर उधर देख रहा था बट कोई बंदा नहीं दिखता है। अब यहाँ पर एक बंदे का नाम आएगा जो कि भाई डीपी चला रहा था और उसने डीपी से किसी को नॉक किया था ना उसका नाम देख लेना कि भाई उसका नाम क्या था और उस बंदे को मैं मारूंगा 1v2 करके और देख सकते कि इसका नाम देख लो मतलब कि इसके पास ब्लड ड्रेवन एक्सपोर्ट मतलब सब कुछ है सॉरी मतलब सैडन सूट है तो वो सब कुछ इसने ले रखा है डीपी का भी स्किन ले रखा है सब कुछ है उसके पास ठीक है बहुत सारी चीज़ें और भी थे। अब उसको मैं कैसे मारूंगा देखना बट उसके साथ एकदम मैंने प्रॉपर फाइट लिया था 1v1 करके और उसको मैं कैसे हराया था देखना। अब ये देखते सकते भाई इसने नेट से किसी को उड़ा दिया इसका नाम याद रख लेना। अब यहाँ पर एक मौली कर रहा था इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ पर कोई लेटा ना हो और अगर कोई लेटा रहेगा ना तो मुझे मार सकता आराम से इस वजह से यहाँ पर मैं मौली करते था और यहाँ पर मैं अब जाऊँगा आगे की तरफ ताकि इस बंदे को मैं आराम से 1v1 फाइट लेके मार सकूँ और ये जो बंदा ना ये सामने था बट यहाँ पर अगर मेरे पास एक नेट होता तो भाई आराम से ये जो सामने मुझे फुटस्टेप आ रहा था इस बंदे को मैं आराम से शायद से मार लेता बट यहाँ पर क्या होता है कि भाई नेट मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं रैंडम ऐसे फायर ले रहा था ताकि इस बंदे को मैं रैंडम ऐसे चेक करने के लिए पर ये बंदा यहाँ पर था नहीं। अब इसका मुझे आवाज़ आता है सील लगाने का और इसी वजह से मुझे पता चल गया भाई कि वो सील के पीछे ही है। अब यहाँ पर मेरे टीममेट से नेट कंटिन्यू मांगा जाता है लेकिन नेट नहीं देता नेट उसके बाद शायद से था भी या नहीं था पता नहीं। अब इस बंदे को तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसको रैंडम फायर लेकर मारूँ। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे टीममेट के साथ किसी का लफड़ा हो जाता है अब मेरे टीममेट ने तो इस बंदे को मार दिया जिस बंदे को मैं मारने वाला था पर यहाँ पर देख सकते हो कि भाई राइट से मुझे बंदे का फुटस्टेप आ रहा है और भाई ये बंदा वही है देख सकते हो इसका नाम भी चेक कर सकते हो और भाई ये बंदा जो था ना इसके पास भी शायद से ग्लेशियर था जितना मुझे पता चला क्योंकि उस बंदे ने मारा था किल इफेक्ट का मतलब कुछ ऐसा इफेक्ट आया। बट यहाँ पर क्या होता है मेरा टीममेट अभी नॉक था अब यहाँ पर सामने इसका टीममेट अभी इसको रिवाइव करने के लिए जा रहा था और उस टाइम पे 1v1 फाइट लेने के लिए जाता हूँ। और भाई यहाँ पे वो बंदा क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बट जो भी कर रहा था मतलब मेरे लिए अच्छा हो गया इस बंदे को आराम से निपटा दिया और मेरा जायरो जो है उतना नहीं घुमा पाता मैं क्लोज रेंज में क्योंकि भाई आपको भी पता है कि जायरो का उतना मतलब काम नहीं रहता है आईपैड में खास करके। बट यहाँ पर सामने की तरफ भी बंदा था जो कि भाई EMP लेकर बैठा था और EMP के सामने मेरा बहुत ज़्यादा फटता है। पर भाई इस बंदे ने जैसे ही M4 को चेंज किया और M4 हाथ में लेके आया था और उसी टाइम पे उसको मैं आराम से फेल देता हूँ और भाई इसी के साथ हो चुका है 5 किल के साथ चिकन डिनर और आप लोग सोचिए यार कि कितना ज़्यादा प्लस मिला होगा अभी तक का ना इस सीजन का हाईएस्ट प्लस मैंने लिया था इसी गेम में इसके अलावा मैं किसी भी ऐसा गेम में इतना ज़्यादा प्लस नहीं लिया था। तो आई होप कि आपको ये गेम प्ले देख के यार मतलब कुछ ना कुछ मोटिवेट आपको हुआ होगा कि भाई अभी तो हैकर नहीं आ रहा तो आप लोग आराम से खेलो यार मतलब जितने भी बंदे दिखते हैं सबको पेलो आप देख सकते कि भाई 30 का प्लस मिल चुका जो कि भाई नेक्स्ट लेवल प्लस है। आई होप कि आपको ये गेम प्ले पसंद है अगर आपको गेम प्ले पसंद है वीडियो को लाइक कर देना ऐसे गेम प्ले देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हो किसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइस।